राम कथा थे रहे सुना संत नरहरि दास, तन मेहता से सुन रहे थे बालक तुलसीदास। प्यारे बच्चों, संत नरहरि दास ने तुलसीदास के इन भावों को देखकर ही कह दिया था कि यह बालक एक महान आत्मा है। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट जनपद में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जन्म के कुछ समय बाद ही इनके सिर से माता पिता का साया उठ जाने के बाद संत नरहरि दास ने इन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए। यहीं पर इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई और उनके पीछे पीछे उनसे मिलने तुलसीदास भी जा पहुँचे। तुलसीदास को देखकर रत्नावली ने कहा, लाज ना लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसो जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। पत्नी की ऐसी तीखी बातें सुनकर वे तुरंत वहां से लौट पड़े और घर द्वार छोड़कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। एक दिन काशी में जब वो श्री राम भक्ति में लीन थे, तब दर्श दिए हनुमान और हनुमत जी की कृपा से मिल गए श्री राम। अयोध्या में संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। बच्चों, जनभाषा में लिखा रामचरितमानस ग्रंथ भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का भी अद्वितीय ग्रंथ है। रामचरितमानस में जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। इसमें सभी रिश्तों का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका भी सजीव चित्रण है। श्री राम की रावण पर विजय, सदैव बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने जीवन में सुख शांति के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्रेम को अनिवार्य माना है, वहीं दूसरों की भलाई को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा है। उनकी नज़र में दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक और नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि अन्य ग्रंथों की भी रचना की है। बच्चों, तुलसीदास समन्वयवादी थे। तुलसीदास मुगल सम्राट के शासनकाल में जन्मे थे। उनका अकबर के अनेक दरबारियों से भी परिचय था। अब्दुल रहीम खान ने तुलसीदास की प्रशंसा में कहा, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोचुत होय। तुलसीदास ने संवत 1680 में काशी में गंगा किनारे 80 घाट पर अपने प्राण त्याग दिए। इनकी मृत्यु के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। साहित्यकार के रूप में तुलसीदास जी हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं।